बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सऊदी अरब से लाइव मीडिया आप साथ में आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अब यह है कि पाकिस्तान और इंडिया से वगैरह से आपको पता है सऊदी अरब की फ्लाइट्स बंद हैं, यानी कि आप पाकिस्तान इंडिया वगैरह से सऊदी अरब का सफर नहीं कर सकते हैं, यहां से तो जा रखे हैं मेरे भाई। इसके मुताबिक भाई जवाजात ने एक ट्वीट, यानी कि एक बंदे ने जवाजात से एक सवाल पूछा था। सवाल मुझे काफी पसंद आया तो मैंने बोला आप हजूर साथ ये थोड़ी डिटेल शेयर कर दूं, इससे जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं उनको जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं सऊदी अरब के इंटरनेशनल फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं खुलने का, तो उनको भाई फायदा होगा। जो शराइत वगैरह है उनके मुताबिक तो आपके साथ मैं वक्तन फक्तन वीडियो शेयर करता रहता हूँ मुकम्मल तफसील के साथ, तो इसमें कुछ शराइत वगैरह तो नहीं बताई गई है, लेकिन इस बंदे के सवाल के ऊपर जवाजात ने जवाब क्या दिया है काफी अच्छी चीज है यार। अच्छा, इस बंदे ने सवाल क्या किया, यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पर पहले आपको दिखा रहा हूं मैं। साय खास पाकिस्तानी हल मसमू अल्लाह दखूल सऊदीया अलमा ताशीरा जदीद, यानी कि पाकिस्तानी साय पाकिस्तानी ड्राइवर घर के ड्राइवर जो होते हैं वो किसी को बुलवा सकता हूं मैं या न्यू वीजा के ऊपर किसी को बुलवा सकता हूं मैं पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान की फ्लाइट बंद है, ये बंदा इसीलिए पूछ रहा है। तो नीचे जवाजात ने क्या इसके मुतल्लिक जवाब दिया है वो भी आप यहां पर देख रखे होंगे। जवाजात ने भाई इसको ये बोला है कोई भी ऐसा बंदा चाहे किसी बाहर कंट्री से गया हो यानी कि छुट्टी वगैरह क्या हो या वहां का मुकीम हो, वो 14 दिन से जायद इन कंट्रीज में जो यहां इन ममालिक में जो मैं अभी आपको नाम यहां पढ़कर सुना देता हूं इनमें रहा हो तो वो सऊदी अरेबिया में दाखिल नहीं हो सकता है। लेकिन के मुतल्लिक भी आपको बताता हूं मैं, पहले आप भाई कंट्रीज के नाम यहां पर देख रखे होंगे जिनमें अर्जेंटाइन ब्राजील इंडोनेशिया जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान तुर्की लबनान मिस्र अल हिंद यानी कि इंडिया, पाकिस्तान इंडिया का नाम भी इसमें है, बांग्लादेश का नाम नहीं है जी, ये आप जहन में रखिएगा। इन ममालक की सऊदी अरेबिया ने अभी भी आर्जी तौर पर फ्लाइट्स बंद की हुई हैं। तो भाई लेकिन से मुराद क्या थी, जो मैंने आपको लेकिन बोला जवाबदार ने तो उस बंदे को जवाब दे दिया कि इन ममालक में कोई भी बंदा अगर 14 दिन से जायद रहा हो तो वो सऊदी अरेबिया का सफर नहीं कर सकता है, पाबंदियां हैं जी सफरी पाबंदियां हैं, जब खोली जाएंगी तो फ्लाइट उसके बाद ही यानी कि सिंपल अफराद में आ सकेगा। लेकिन मैंने क्यों कहा लेकिन, इसलिए भाई अगर कुछ बंदे बोल रहे हैं मस्कत वगैरह से अफगानिस्तान वगैरह से मलेशिया वगैरह से या किसी और कंट्री से या दुबई वगैरह से, उधर इतने दिन का भाई कंटेन वगैरह करना होगा उधर से हम सऊदी अरेबिया की फ्लाइट ले सकते हैं, तो वो भाई आपका अपना हिसाब है। मैंने इसके मुतालिक दो तीन वीडियो आपके साथ तफसील से शेयर की थी, बहुत से बंदे मुझे इसके मुतालिक कमेंट कर रहे थे भाई मेरा फलाना भाई मेरा फलाना दोस्त चला गया है, तो हो सकता है यार बंदे आ रखे हो, मुझको इसके मुतालिक इलम नहीं है, सीधी साफ सी बात है, मुझको इसके मुतालिक जितना इलम था वो मैंने आपके साथ उन वीडियो में शेयर कर दिया था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान से कोई भी बंदा सऊदी अरेबिया का सफर नहीं कर सकता है, ये जवाजात की तरफ से जो जवाब इस बंदे को दिया गया है उसके मुतालिक आपको तफसील से बता दिया है। अच्छा, इस बंदे ने हालांकि साय खास का बोला, साय खास के मुतालिक आपको पता ही घर का ड्राइवर होता है उसके चांस होते हैं कुछ सऊदी अरेबिया का, हो सकता है ये बंदा सफर कर सके, लेकिन जवाजात ने इसको भी यही कह दिया है कि जब फ्लाइट्स खुलेंगी सीधे साफ अलफाज में भाई उसी टाइम आ सकता है।